नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ। दोस्तों, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में 2000 के नई यहाँ पर भर्ती आई है। किस रिगार्डिंग भर्ती है ये 2000 की, आइए जानते हैं इस वीडियो में, तो वीडियो को विस्तृत रूप से जरूर देखिएगा। जी हाँ दोस्तों, ये जो भर्ती है यहाँ पर राजस्थान स्वास्थ्य विश्वविद्यालय जयपुर द्वारा निकाली गई है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि देख सकते हैं आप यहाँ पर लेटेस्ट न्यूज में नोटिफिकेशन रिगार्डिंग मेडिकल ऑफिसर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2020 यहाँ पर जारी हो चुका है। क्या है पूरा नोटिफिकेशन विस्तृत रूप से जानेंगे, कब से इसके फॉर्म अप्लाई होंगे वो भी यहाँ पर जानेंगे। दोस्तों मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ लिंक पे, और यहाँ पर डाउनलोड कर लेते हैं विस्तृत नोटिफिकेशन। जी हाँ दोस्तों, और जानेंगे यहाँ पर किस रिगार्डिंग ये भर्ती निकाली गई है। तो दोस्तों जैसा देख सकते हैं यहाँ पर मेडिकल ऑफिसर के 2000 पदों पर यहाँ पर भर्ती निकाली है। जैसा कि देख सकते हैं, जैसा कि माननीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रघुजी शर्मा बार बार कह रहे थे कि हमने 737 डॉक्टर्स की भर्ती कर ली है और 2000 नए डॉक्टर्स की जो रिक्रूटमेंट है उसकी वित्त विभाग से अनुमति मिल चुकी है। तो दोस्तों इसी को लेकर यहाँ पर ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो 8 जून से 30 जून तक RUHS की वेबसाइट के माध्यम से आप अप्लाई कर सकते हैं, www.ruhsaraj.org से। इसके अलावा जो ऑनलाइन एप्लीकेशन की डेट है वो 8 जून से 30 जून तक रखी गई है। इसके अलावा जो परीक्षा तिथि है वो दोस्तों 12 जुलाई रखी गई है। यानी कि मैं बता दूं, डॉक्टर्स को जो यहाँ पर पोस्टिंग देने का काम है वो जुलाई में यहाँ पर खत्म कर लिया जाएगा, क्योंकि जून में यहाँ पर इनकी जो है ऑनलाइन फॉर्म के एप्लीकेशन डेट है 30 जून तक, यहाँ पर 8 जून से लेकर। इसके अलावा जो एग्जामिनेशन डेट है वो 12 जुलाई यहाँ पर रखी गई है। साथ में यह भी नोट लगाया कि प्रोबेशन पूर्ण होने के पश्चात पीजी में हेतु आवेदन कर सकेंगे, यानी कि 2 साल तक यहाँ पर पीजी में अप्लाई नहीं कर सकते ये डॉक्टर्स। यह दोस्तों बड़ी अपडेट, यहाँ पर 2000 चिकित्सकों की भर्ती निकाल दी गई है राजस्थान स्वास्थ्य विश्वविद्यालय द्वारा, बड़ी अपडेट। और इसके अलावा ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो आप फाइल कर सकते हैं 8 जून से लेकर 30 जून तक। इसके अलावा जो आपकी भर्ती परीक्षा है वो 12 जुलाई को आयोजित की जा रही है। साथ ही मैं बता दूं कि यहाँ पर कार्मिक विभाग राजस्थान की अधिसूचना इतनी के प्रावधान अनुसार प्रत्येक सिलेक्टेड अभ्यर्थी को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय राजस्थान मेडिकल काउंसिल का परमानेंट रजिस्ट्रेशन प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। जो मेडिकल ऑफिसर मेडिकल डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 2020 की भर्ती परीक्षा तिथि 12 जुलाई 2020 तक का जारी किया हुआ हो, यानी कि जो आपका परमानेंट रजिस्ट्रेशन है वो 12 जुलाई 2020 से पूर्व का हो। साथ ही आप 2 साल तक यहाँ पर पीजी में आवेदन नहीं कर सकते। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना न भूलें। आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ को सब्सक्राइब नहीं है, सब्सक्राइब है। धन्यवाद।